अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्मगनी। आप देख रहे हैं सियासी किंग यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मुल्क के साथ बात करेंगे हम निगरा हुकूमतों के से। फाइनल जो है सुबह में भी निगरा हुकूमतें जो है तश्कील पा चुकी हैं और इसके साथ साथ जो वफाक में भी जो है निगरा हुकूमत जो है तश्कील पा चुकी है। तो अगर हम निगरा हुकूमतों की बात करें तो वफाक में भी निगरा हुकूमत जो है वो तश्कील पा चुकी हुई है और नवाज काकड़ साहब जो है निगरा वजन के जो हल उठा चुके हैं। इसके साथ साथ निगरान काबीना भी तश्कील पा चुकी है और निगरान काबीना भी जो है वो इस वक्त मुख्तसर निगरा काबीना जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं निगरान काबीना में। यानी कि डॉक्टर शमशाद अहसन साहब जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त अपने ओहदे का हलफ जो है वो उठा चुके हैं। साथ साथ जो है वो गोहर जहाज साहब जो है वो इस वक्त निगरा वज़ीर तजारत का हलफ उठा चुके हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सर खलील जौहर साहब जो है वो इंसानी हकूक के वज़ीर बनी के वज़ीर का हलफ जो है वो उठा चुके हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो मुर्तज़ा सोलंगी साहब जो है वज़ीर इत्तला'आत का ओहदे का हलफ जो है वो उठा चुके हैं निगरान। उसके साथ अगर हम देखें तो निगरान वज़ीर दाखिला जो है वो सरफराज भुट्टी साहब जो है वो निगरान वज़ीर दाखिला का चार्ज है वो संभाल चुके हुए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो दीन जान साहब जो है वो वज़ीर सेहत का ओहदे का जो है वो चार्ज है वो संभाल चुके हैं। इसके साथ अगर मज़ीद देखें तो वज़ीर में है जो है जमाल शाह साहब जो है वो वज़ीर सकाफत का जो चार्ज है वो संभाल चुके हैं। अगर हम मज़ीद देखें तो शाहिद अशरफ ताड़े साहब जो है वज़ीर मुवासलत का हलफ जो है वो उठा चुके हैं। उमर सैफ का देखें तो उमर सैफ साहब जो है वो उस वक्त वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी का निगरान वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी का जो हलफ जो है वो उठा चुके हैं, उसका चार्ज है वो संभाल चुके हैं। इसके साथ अगर हम मज़ीद देखें तो मदल सिंधी साहब जो है जो वज़ीर तलीम के ओहदे का हलफ जो है उठा चुके हैं निगरान कबीन की बात कर रहा हूँ उस वक्त। और इसके साथ साथ जो है वो अहमद इरफान असलम साहब जो है वो वज़ीर निगरान वज़ीर कानून का जो हलफ जो है वो अभी अपने ओहदे का हलफ जो है वो उठा चुके हैं और उसका चार्ज भी जो संभाल चुके हैं। तो ये निगरान काबीना जो अपना फंक्शन जो है वो कर चुकी है, परफॉर्म कर रही है और साथ साथ देखना ये बाकी है कि क्या ये काबीना जो है निगरान वज़ीर और निगरान काबीना जो है क्या आवाम को रिलीफ दे पाती है नहीं और क्या महंगाई में कमी ला पाती है नहीं। वैसे तो इनका काम इलेक्शन करवाना है 90 दिन के अंदर अंदर, देखते हैं कि इलेक्शन के 90 दिन के अंदर अंदर हो पाते हैं नहीं और क्या क्या आवाम की ज़िंदगी में कोई सकून चैन और राहत जो है वो आता है नहीं, तो अभी देखना बाकी है। क्योंकि अभी हालिया जो है 16 तारीख को जो है वो पेट्रोल कीमतों में यानी 16 अगस्त को जो पेट्रोल कीमतों में जो था वो बड़ा इजाफा देखा गया था, जिसके बाद आवाम की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किल में इजाफा हो गया। क्योंकि 1 रुपया भी अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो आवाम की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल में आ जाती है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है तो वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है वो इससे मुंसलिक है, क्योंकि 1 रुपया भी अगर इजाफा होता है तो इससे आम आदमी की जेब जो है वो उसमें जो है वो बड़ा बुरा जो है असर पड़ता है। क्योंकि देखें कि ना आम आदमी एक तरफ और इकॉनमी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है ये भी ऐसा ही इख्तदार लोगों को आप सोचना चाहिए। क्योंकि देखें कि आवाम की कुव्वत तकरीब पहले ही ख़त्म हो चुकी हुई है, आवाम जो है पहले ही मुश्किल में घिरी हुई है। और यही नहीं कि सिर्फ गरीब लोग मुश्किल में घिरे हुए हैं, मिडिल क्लास लोग भी इस वक्त जो है शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त हर तरफ जो है वो एक परेशानी की कैफियत है। तो देखना ही बाकी है कि क्या ये निगरान हुकूमत जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो दिला पाती है नहीं आवाम को, क्या आवाम की ज़िंदगी में सुकून चैन और राहत जो है वो उनको देखना नसीब होता है या नहीं, तो अभी आने वाले देखना जो है बाकी है। क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त रिलीफ के मुंतजर है, लेकिन जो है कहीं से भी दूर दूर तक जो है वो इस वक्त कोई भी रिलीफ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो शायद हालात जो है वो बेहतर हो जाएँ, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएँ और जो है इलेक्शन जो है वो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन वो अपने टाइम पे जो है मुकर्रर टाइम पे जो है वो मुनक्किद होंगे। क्योंकि इस वाले से पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने चाहिए, इसके अलावा दीगर जमातें का भी मौकफ किया गया। लेकिन देखने बाकी है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वाले से क्या इकदाम करता है और क्या हल्का बनने या नहीं हल्का बनने होने के बाद क्या इलेक्शन होते हैं, तभी देखना जो है बाकी है। उस वाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होता है तभी देखना बाकी है। तो अब बात करते हैं सुबह के वाले से, सुबह में भी निगरान हुकूमतें जो है वो तश्कील पा चुकी हुई हैं। इस वाले से देखा जाए सुबह सिंध को देखा जाए तो सुबह सिंध में भी जो है उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड महमूद बाकर साहब जो है वो निगरान वज़ीर का ओहदे का जो हलफ जो है वो उठा चुके हुए हैं और साथ साथ जो है वो उन्होंने अपनी निगरान काबीना जो है तश्कील दे दी हुई है। वहाँ पर भी है जो है वो निगरान काबीना जो अपना काम जो है शुरू कर चुकी है। इसके साथ बलोचिस्तान का देखें तो बलोचिस्तान में भी जो है बलोचिस्तान में जो है वो निगरान वज़ीर के तौर पर जो है वो इस वक्त भी जो है वो इस वक्त अली मर्दान डॉम के साहब जो है वो इस वक्त निगरान वज़ीर बलोचिस्तान का जो है हलफ जो है वो उठा चुके हैं। उन्होंने भी निगरान काबीना जो है वो तश्कील जो है वो दे चुकी हुई है। तो अब देखने में कि बलोचिस्तान की निगरान काबीना के आने के बाद क्या अब तमाम सूबों में जो है वो अब निगरान हुकूमतों का क्या जो अमल आ चुका है। पंजाब में पहले निगरान हुकूमत का क्या अमल आ चुका हुआ था, जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो है अपने निगरान वज़ीर पंजाब के तौर पर जो अपने फ्लाइज वो अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ अगर हम केपी में देखें तो केपी में भी आजम खान साहब जो है वो निगरान वज़ीर केपी जो है वो सब अपने फ्लाइज अंजाम दे रहे हैं। देखना बाकी है कि अब चूंकि पूरे मुल्क में जो है निगरान हुकूमतों का क्या जो अमल आ चुका है, तो अब देखना बाकी है कि क्या आम इंतखाबात जो है वो
तमाम सूबों में और वफाक में एक टाइम पे होते हैं और क्या कब होते हैं तो किस तरह होते हैं, तो ये भी देखना जो है वो बाकी है, क्योंकि मुल्क की माशियत का निसार जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो इलेक्शन के ऊपर है, और उम्मीद करते हैं, अवाम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो मुनक़द कर जाएंगे और अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के जो है बड़े फैसले जो है वो इंशाअल्लाह करेगी और इंशाअल्लाह अवाम की ज़िंदगी में जो है वो मज़ीद अच्छी तब्दीलियाँ जो है वो रहनुमाएंगी और पाकिस्तान की इकानमी में जो है वो एक राइट सिमत में जो है यानी दुरुस्त सिमत में जो है वो सफ़र करेगी। तो देखने बाकी है कि आइंदा आने वाले दिन में हालात जो क्या होते हैं, और इस वजह से अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के हवाले से देखा जाए तो इमरान खान साहब के मुकदमा जो है उस वक्त चल तेज़ी से जारी हैं, और तोशाखाना केस के हवाले से देखा जाए तोशाखाना केस में भी देखना ही बाकी है कि क्या इमरान खान की जमानत जो है वो तोशाखाना केस में हो पाती है या नहीं, और इनके वकील वकला जो है उस वक्त बहुत पूरे उम्मीदवार कहते हैं कि तोशाखाना केस में जो है इमरान खान की जमानत जो है वो हो जाएगी, तो देखने बाकी क्या इजाज़ बाकी जमानत जो है वो हो पाती नहीं। इमरान खान साहब के वकला की जो लीगल फाइट है कि इसका अंजाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका आउटकम क्या आता है और क्या इसका मुल्क के साथ क्या असर पड़ता है भी आने वाले देखने जो बाकी है, और जहाँ उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो तमाम सियासी पार्टियों को जो है वो साफ़ और शफाफ तरीके से जो है भरपूर इलेक्शन लड़ने का मौका जो है वो दिया जाएगा, फेयर प्ले का मौका दिया जाएगा और तमाम सियासी पार्टियां जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अपना जो है वो इंतखाबी सियासत में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे, तो ये भी आने देखना जो है बाकी है। तो अब देखना ही बाकी है कि क्या इलेक्शन जो है वो टाइम पर होते हैं नहीं, और इलेक्शन से क्या इकदाम करता है और क्या जो है वो फैसले जहाँ सामने आते थे भी हमें देखना चाहो बाकी है। जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल टॉपिक्स, इंटरनेशनल हम बहुत अहम टॉपिक उसमें बात करेंगे हम यूक्रेन की जंग के वाले से, यूक्रेन रशिया की जंग जंग जो है उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर चुकी हुई है, और इस वाले से जो है वो देखना ही बाकी है कि ये जंग जो है कहाँ भी जाकर इख्ताम दी जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है उस वक्त शदीद किस्म के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। रूस जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन जो है वो बड़े ऑफेंस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को जिस वक्त बड़ी फौजी इमदाद जो है वो दी गई है नीदरलैंड की तरफ से भी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, इस वक्त नीदरलैंड की तरफ से जो है वो नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो इस वक्त यूक्रेन को जो है वो 61 F-16 फाइटर जेट्स हैं वो इस वक्त दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी फौजी इमदाद है जो कि यूक्रेन को दी जा रही है, और 61 फाइटर F-16 फाइटर जेट्स के मिलने के बाद क्या यूक्रेन की जो फजाइया जो है वो क्या इस काबिल हो जाके हो सकेगी कि वो रूस के खिलाफ जो अपना ऑफेंस जो है वो स्टार्ट कर सके, अपना डिफेंस जो है वो कर सके, तो ये भी देखना बाकी है। और जहाँ से बात रही रशिया की, तो रशिया ने कहा कि यूक्रेन बेशक F-16 ले लें या कोई और चीज़ ले लें, देखने ही बाकी किस जंग का अख्ताम क्या होता है। हमारी तो दुआ ये कि तमाम मसाइल जो है वो टेबल टॉक से हल करना चाहिए, मुज़ाकरे से हल करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो कि जिसका हल जो है वो बातचीत के जरिए मुमकिन ना हो या जिसका हल जो है वो टेबल टॉक से मुमकिन ना हो। बस ये है कि आपकी विल होनी चाहिए, आपकी जो है वो यानी कि अच्छी नीयत होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी नीयत के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी जो है वो अच्छे ही आएंगे। तो आप देखने बाकी है कि यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो उसका अंजाम जो आखिर क्या होता है, और इस वाले से जो है वो आलमी ताकतें जो है वो क्या फैसला करती हैं, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे असल जो पीछे जो होते हैं ना थर्ड पार्टीज होती हैं वो इस वाले से क्या इस जंग में जो है मज़ीद बढ़ावा देती हैं, इसमें जो है वो मस्बत किरदार अदा करते थे भी आने में देखने जो बाकी है। और जहाँ तक बात है ट्रंप साहब के वाले से, ट्रंप साहब के हालात भी जो है इस वक्त जो है वो गोम गोम की कैफियत का शिकार हैं बेसिकली, और ट्रंप साहब जो हैं वो इस वक्त इंतखाबी मैदान से जो है वो इस वक्त बाहर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पहली डिबेट होने जा रही है रिपब्लिकन पार्टीज़ की जो आपस में डिबेट होती है उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि वो उसमें शायद शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके केसेस इतने ज़्यादा हैं और साथ साथ उनके जो कि वो मुकदमे इतने ज़्यादा थे उसमें उनको चूँकि अपीयर होना पड़ता है, उनकी तैयारी करनी पड़ती है, तो वो कहते हैं कि शायद वो पहली जो डिबेट है नेशनल डिबेट है रिपब्लिकन पार्टी की वो शायद उसमें शिरकत ना करें। अब देखने बाकी है कि क्या वो मज़ीद सेकेंड डिबेट में थर्ड डिबेट में वो हिस्सा ले पाते हैं नहीं, और क्या इस सेकेंड और थर्ड डिबेट में हिस्सा लेते हैं क्या, फिर इसके बाद वो जो है वो क्या इंतखाबी तौर से बाहर हो जाते थे भी आने में देखना जो है बाकी है, क्योंकि ट्रंप साहब के लिए जो है वो सब मुश्किल में जो है इजाफा ही हो रहा है, उसमें कमी जब किस तौर पर बाकी नहीं हो रही। देखने बाकी है क्या ट्रंप साहब के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट तल्लुक जो बेहतर हो पाते नहीं, और क्या ट्रंप साहब जो दोबारा 2024 के इंतखाबी में हिस्सा ले पाते नहीं, और क्या 2024 में क्या वो इलेक्शन जीत पाते हैं नहीं, तो भी आने देखने जो बाकी है। तो इसी साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कैसे करने मिलेगा, और हमें अपनी दुआ देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाफिज़।